नाजरीन, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स जारी है। जायरीन की बड़ी तादाद उर्स में मौजूद है। मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंद ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर गुलाए अकीदत पेश कर रहे हैं। मेला और त्योहार भारत का एक बड़ा आकर्षण है। मेले को भारत की संस्कृति का पैनोरमा कहा जा सकता है, इसलिए त्योहार और मेले भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व है। आपको अगर असली हिंदुस्तान देखना हो तो देश की किसी भी दरगाह में आप जा सकते हैं। आप यहां से अनेकता में एकता का सजीव चित्रण प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां माथा टेकने वाले हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी। आपको बताते चलें कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह शरीफ में सालाना उर्स पूरे सवाब पर चल रहा है। जायरीन दुनिया के कोने कोने से चादर एवं अकीदत के फूल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। दरगाह ही नहीं, पूरा अजमेर उर्स की खुशबू से महक रहा है। दरगाह के आसपास बाजार फूलों और सभी तरह की छोटी बड़ी चादरों की दुकान से सजा है। कई बड़ी बड़ी हस्तियों की ओर से प्रतिदिन चादरें चढ़ाई जा रही हैं। एक महीना पहले से ही यहां पर तैयारियां की जा रही थी और दावतनामा भिजवाया जा रहा था। जैसा ही चांद दिखा, अजमेर का उर्स शुरू हो गया और जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। इस दरवाजे से गुजरना जायरीन अपना सौभाग्य समझते हैं। दुनिया और भारत की अनेक नामी हस्तियां यहां की जियारत कर चुकी हैं। Ah!
फरवरी की 20 तारीख को बुलंद दरवाजे पर झंडा फहरा कर झंडे का रस्म अदा किया गया। उसके दौरान सुबह फजर की नमाज के बाद अहाता नूरी में महाराज परिवार व अन्य खादिमों द्वारा ख्वाजा के नाम की 9 दिवसीय गद्दियां लगाई जाती हैं। यहां 9 दिन तक जायरीनों के लिए प्रार्थनाएं हुआ करती हैं। पहली रजब से 6 रजब तक रोज रात में मजार शरीफ को केवड़े व गुलाब के जल से धोया जाता है। दरगाह दीवान की सदारत में 6 दिन रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक महफिल खाना में कव्वालियां होती हैं, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में मजार पर 42 गज के 60 टुकड़ों से बनी इस चादर पर दुनिया भर के जायरीन वर्षों से चादर चढ़ा रहे हैं। इन चादरों का रंग श्वेत, लाल व हरा होता है। मजार की चादर दिन में 2 बार बदली जाती है, सुबह 4 बजे और दिन में 3 बजे। इत्र फूलों से महकती चादर को श्रद्धालु सिर पर रख कर मजार तक ले जाते हैं। चादर चढ़ाने का यह दृश्य भी अनुपम होता है। तो ये थी इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट।